अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या है? ठीक है आप लोग? आज हम अपना लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पहले दो लेक्चर जो डिलीवर हो चुके हैं, आई होप के आपने उनको पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद उनको समझा भी होगा। आपने बुक अपने सामने रखी होगी और उसको कंपैरिजन किया होगा मेरे लेक्चर के साथ, तो आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन अगर इसके अलावा, अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो कल मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहा हूँ अपने लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को, ताकि जो नहीं पढ़ सके उनको हमने अच्छी तरह फिर से रिवाइज करके पढ़ लें। मैं बता रहा था दी डाइंग सन रिटन बाय सर जेम्स जीन्स। बेटा मैं बता रहा था दी डाइंग सन फर्स्ट प्रोज है हमारा, अपनी किताब के सामने रख लें। दी डाइंग सन रिटन बाय, इसने लिखा हुआ है सर जेम्स जीन्स ने। बहुत इंफॉर्मेटिव ऐसे यंग प्रोज मैंने आपको बताया था। इसमें दो बातें बेटा डिस्कस की गई, वो कौन सी हैं? एक तो ये कि कैसे जमीन वजूद में आई थी, और दूसरी इस पे जो इंसान है वो कैसे, उसका वजूद कैसे, यानी पैदाइश कैसे हुई दोनों की। तो मैंने कल आपको कहा था कि ये कायनात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कायनात है, और इस कायनात में बहुत सी चीज़ें जो कि खला में मौजूद हैं, और इस खला में बहुत से सितारे मौजूद हैं, हर जगह सितारे हैं। हम इस स्पेस को मेजर नहीं कर सकते, और इसमें कितने सितारे हैं वी डोंट नो, हमें इन चीज़ों का कोई पता नहीं है कि इसमें कितनी चीज़ें मौजूद हैं, उनकी तादाद कितनी है। किताब में जो लिखा हुआ है हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स, इस कायनात में सितारे कितने हैं, उसने कहा है कि शायद इतने सितारे हैं कि जितने के इस सारी इस दुनिया में साहिल समंदर पर जितनी रेत पड़ी हुई है उनके जर्रात हैं जितने, उतने सितारे इस कायनात में मौजूद हैं। शायद बड़ी बात की गई, क्योंकि ना हम रेत के जर्रों को गिन सकते हैं और ना ही सितारों को गिन सकते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल बेटा दी थी, मैंने कहा था अगर ये आपको नजर आ रहा हो, तो मैंने कहा था फर्ज कर लें, सपोज, वैसे तो कायनात के लिए हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो कितनी वास्ट है, कितनी वसी और अरीज है। तो हम फर्ज कर लेते हैं, सपोज कि ये एक क्या है, यूनिवर्स है, कायनात है। इस कायनात में स्टार्स हैं, इस कायनात में स्टार्स मौजूद हैं, कुछ छोटे हैं स्टार्स, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ इतने इतने बड़े स्टार्स मौजूद हैं इस कायनात में, इस स्पेस में, कि लाखों ज़मीनें भी हमारी मिलके तो इसमें समा जाए तो फिर भी जगह बच सकती है, इतनी ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है इस कायनात में। तो लाखों ज़मीनें भी कुड बी पैक्ड इनसाइड ही, और फिर भी जगह बाकी बच सकती है। तो बेटा उसमें ये सितारे जो मैंने कहा अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, ये घूम रहे हैं। जब ये घूमते हैं तो ये इस जगह पे आ जाता है, ये इस जगह पे आ जाता है, ये सितारे एक साइकिल के पहिए की तरह घूम फिर के उसी जगह पे आ जाते हैं। क्लियर होगी बात? फिर ये सितारे आपस में टकराते भी नहीं, ना नीचे गिरते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, ऊपर जमीन की कशिश खत्म हो जाती है, नीचे नहीं आते, उधर ही घूम फिर रहे हैं। तीसरी बात कि ये आपस में टकराते नहीं हैं।
ठीक, एक दूसरे से बहुत फासले पर है, इतने फासले पर है जैसे समंदर में शिप्स एक एक दूसरे से दूर होते हैं, क्योंकि अगर वो साथ साथ चले तो वो टकरा जाएंगे, क्योंकि उनके आपको पता है स्टीयरिंग नहीं है, ब्रेक्स नहीं होती, वो इंजन के साथ चलता है, उल्टा इंजन चलाए तो फिर उसको रोकना भी पड़ता है। तो ये बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके टकराने का अमल इस दुनिया में कम ही होता है, कभी एक बार शायद हो, करोड़ों साल पहले उसने कहा कि ऐसा वाकया हुआ था, एक वाकया हुआ था, और वो वाकया करोड़ों साल पहले क्या था बेटा, कि जिसकी कल शायद बात बताई थी मैंने, एक सेकंड स्टार था, एक सितारा था, इस सितारे को हम क्या कहते हैं, सेकंड स्टार का नाम दे देते हैं, ये क्या है, ये सूरज है, सन, ये सितारा अंधाधुंध हरकत करता है और कहाँ आ जाता है, कहाँ आ जाता है, सूरज की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, और ये जब सूरज की तरफ बढ़ता है तो अपनी श्वाएं सूरज की सतह पे डालता है, अपनी श्वाएं सूरज की सतह के ऊपर, जिस तरह जमीन की सतह ये है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे हम खड़े होते हैं, तो सूरज की सतह पे अपनी श्वाएं डालते हैं। अब ये श्वाएं इतनी पावरफुल है कि आप इसका अंदाज़ा लगा लें बेटा, कि जब सूरज और चांद इन दोनों की रोशनी जब ज़मीन पर पड़ती है तो उसके असरात क्या होते हैं। सूरज इतनी लाखों मील दूर है और उसके बावजूद जब उसकी श्वाएं इधर पड़ती हैं तो इतनी गर्मी हो जाती है, चांद जब श्वाएं डालता है तो सुनामी क्रिएट हो जाती है, समंदर में तूफान पैदा होती है, ठीक है, बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, लहरें पैदा हो जाती हैं समंदर में और सुनामी का बायस बन जाती हैं। तो अगर इसका इतना असर है, चांद और सूरज की श्वाओं का जमीन पर इतने दूर होने के बावजूद इतना असर है, तो फिर ये सेकंड स्टार जो करीब से करीब तक आता चला जा रहा था, इसकी जो टाइडल पुल्स है, क्या कहते हैं, टाइडल पुल्स, इसकी जो टाइडल पुल्स है यानी श्वाएं इतनी पुरकश, इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि आपको इसका अंदाजा अभी हो जाएगा, जब सेकंड स्टार ने सूरज की सतह पे अपनी श्वाएं डालना शुरू कर दी तो क्या हो गया, ये सूरज की जो सतह थी वो क्या होना शुरू हो गई, पिघलना शुरू हो गई, इतनी ज्यादा पावरफुल श्वाएं थी, और सूरज तो ऑलरेडी गर्म होता बेटा, तो जब इसने श्वाएं डाली तो सूरज की सतह पिघलना शुरू हो गई, जब ये पिघल गई तो इसकी ये बढ़ना शुरू हो गई ऊपर को, और ये बढ़ के सूरज की सतह एक पहाड़ जितनी, इतना बड़ा पहाड़ बन गया, उसके बारे में वो कहता है कि दैट वी कैन नॉट मेजर, शायद हम उसका तसव्वुर भी ना कर सकते हो कि सूरज की सतह पिघल गई और एक पहाड़ बन गया, पहाड़। अब ये सितारा इससे पहले कि ये सूरज के साथ आके खुद टकराता तो क्या कहते हैं उसको, उससे पहले कि ये टकराए ये पहाड़ जो था ये फट गया, क्योंकि ये सूरज की गैसेस भी थी अपनी, खुद गर्म है और ये फट गया। अब ये पहाड़ जो था इसके टुकड़े कोई इधर गिर गया, कोई इधर, इसके टुकड़े सूरज के गिर्द घूमना शुरू हो गए, इसके पहाड़ के, और फिर इसके प्लैनेट्स, इसके इनको कहते हैं प्लैनेट्स, दीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, जमीन भी इन्हीं इसी पहाड़ के हिस्सों में से एक हिस्सा है, और ये जो प्लैनेट्स हैं जैसे मरीख है, प्लूटो है, ये आपको पता ही होगा, ये तब से लेकर आज तक ये सूरज के गिर्द ही घूम रहे हैं, और ये सूरज जो है
इन सब पे अपनी छुआएं डालता है, जमीन पर भी। ये अर्थ है, ये भी इन्हीं प्लैनेट्स का एक हिस्सा है जिस पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद कई जो है सवाल जन्म लेते हैं बेटा कि आखिरकार जमीन पर ही हम जिंदगी की बसर करते हैं, यहीं पर हमने अपनी जिंदगी का आगाज क्यों किया, दूसरी जगह पे क्यों हम लोग नहीं जाते। क्लियर होगी बात आपकी? तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसमें कई सवाल जन्म लेते हैं बेटा। ये ध्यान के साथ देख रहे हैं, मैंने आज थोड़ा सा पिछला जो है वो लेक्चर रिवाइज किया था क्योंकि मुझे ऐसे लगा जैसे आपको समझ नहीं आई, आवाज़ की प्रॉब्लम थी। अब उम्मीद है कि आज समझ आ गई होगी, तो कल मैं जो है ना इसके आगे चलूँगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल फिर।